हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन किराम, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू हमें जलसों और कॉन्फ्रेंसों के खुतबा से कुछ करनी है। हम जानते हैं और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि आज का नौजवान तबका, ख़ास करके वो जो दुनियावी तालीम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने दीनी तालीम कुछ भी हासिल नहीं की, और जो आज दीन को मोबाइल के ज़रिए से, सोशल मीडियाज़ के ज़रिए से और इंटरनेट के ज़रिए से सीख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही गुमराही के शिकार हो रहे हैं। और उन तक जो पैगाम पहुंच रहा है, वो हमारे जलसे के जो खुतबा हजरात हैं, उनकी तकारीर, उनके बयानात ज़्यादातर हमारे नौजवान तबका को पहुंच रहे हैं। हमारे ही क्या, बल्कि उनके बयानात तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है, इससे इनकार नहीं कर सकते। आज हमारे खुतबा का हाल ये है कि हम अपनी तकरीरों में, हम अपने खिताबात में कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू कम करते हैं। हम अपनी बात को दलाइल व बराहीन से मुजयन कम करते हैं, हकायात से, किस्सों से, कहानियों से, इधर उधर के चुटकुलों से, हंसी से, गुलछड़े छोड़ करके हम अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। संजीदगी के साथ सोचिएगा ज़रूर, आपकी इन गुफ्तगू से वक्ती तौर पर लोग तो खुश हो जाते हैं, तफरी हो जाती है, मिजाज में एक तरह से रिफ़्रेश हो जाता है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक हो रहा है, बहुत उल्टा हो रहा है। आप ये मत समझें कि आप बहुत बड़े ख़तीब हो गए हैं तो हम जो चाहेंगे लोग मान लेंगे, नहीं। एक तरफ आपके किस्से कहानियां हैं, एक तरफ आपके गुलछड़े और वाक़यात हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा मुखालिफ जमात है, वो अपने खिताबात में कुरान को पेश करता है, हदीस को पेश करता है, सहाबा के आमाल को पेश करता है, और हमारी तकरीर इन चीज़ों से खाली हो रही हैं, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन अक्सर खुतबा का हाल यही है कि वो कुरान और हदीस और सहाबा के वाक़यात को कोड कम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी गुफ्तगू उस रोशनी में नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने उन आयात को, उन अहादीस को, उन सहाबा के आमाल को कोट करके अपनी गुफ्तगू को पेश की करेंगे तो इसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही होगा। एक तरफ आप अपने बात को, अपनी अपने अकीदे को, या अपने मसाइल को, या अपने मामूलात को, अकायद को आप कुरान और हदीस से ना समझा करके वाक़यात और कहानियों से समझा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इंसान कुरान और हदीस की आयत पेश कर रहा है। जब दोनों का तकाबुल होगा, जब दोनों का मुआजना होगा, तो आप ही बताइए किसकी बात को मानेगा, किससे कहानियों को मानेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानेगा, कुरान की बात को मानेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो हदीस रसूल या कुरानी आयत को सही तौर पर पेश कर रहा है, गलत पेश कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी क्या जानता है कि ये गलत पेश कर रहा है या सही पेश कर रहा है। आप किसी बुज़ुर्ग का कौल नकल करते हैं, वो सीधे रसूलुल्लाह का कौल नकल करता है। आप किसी कहानी का सहारा लेते हैं, वो सीधे कुरान का सहारा लेता है। ऐसे मौके पर आपकी बात हवा होकर रह जाती है और उन लोगों की बात लोग पकड़ लेते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो गुजारिश है आपसे कि अपनी तकरीरों का अंदाज़ बदलिए, अपने खिताबात का अंदाज़ बदलिए। आपको मामूली नजराने के साथ नहीं बुलाया जाता और ना मामूली नजराना लेते हैं। एक रात की बहुत बड़ी रकम आप लेते हैं और नतीजे में आप क्या देते हैं, वही कहानियाँ, वही किस्से, वही कहावतें। क्या आप मेहनत नहीं करना चाहते? ये जो आज कौम गुमराह हो रही है, इसके बहुत बड़े जिम्मेदार आप जैसे खुतबा हजरात हैं। ये मैं बहुत ही संजीदगी के साथ आपको बता रहा हूं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगती है तो माजरत चाहूंगा, मगर ये है, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम और आप क्या कर रहे होते हैं। आपको हर चीज़ की सहूलतें फराहम है, पैसे के लिए भी, ट्रैवलिंग का भी की सहूलत है, हर तरह की फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, लेकिन आप हैं कि इन चीज़ों की तरफ आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपने खिताब का रुख नहीं बदला, तकरीर का अंदाज़ नहीं बदला, और उसमें कुरान और हदीस और सहाबा के आमाल को अपने मामूलात को साबित करने के लिए पेश नहीं किया, तो वो वक्त दूर नहीं है
जब आपके इन खिताबात का बिल्कुल बाजार बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब सुन्नियत ही नहीं बचेगी, लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर आपको बुलाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खिताबात में, आप अपनी तकरीरों में कुरान, हदीस, सहाबा के आमाल को ज़रूर पेश करें। वाकयात बाद में लाएं, पहले कुरान से, पहले हदीस से, फिर सहाबा के अकवाल से अपनी गुफ्तगू को पेश करें। आप शख्सियात पर आ जाते हैं, शख्सियात पर बयान करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शख्सियात ही को सब कुछ समझ लेना ये हमारे और आपकी सबसे बड़ी नादानी है। बुज़ुर्गों की शख्सियतें मुसल्लम हैं, क्या अगर हम शख्सियात से हटकर दलाइल कुरान और हदीस से पेश करेंगे तो वो शख्सियात मजरूह हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं होंगी। बल्कि आप अगर अपनी बात को दलाइल और कुरान और हदीस से पेश करने के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों के आमाल को उस साँचे में पेश करेंगे तो हर मोमिन बंदा आपकी बात का मोतकिद होगा और ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि अहले सुन्नत व जमात किससे कहानियों वाली जमात नहीं है, बल्कि कुरान व हदीस से उनका इस्तदलाल है और उनके बुज़ुर्गों ने भी जो आमाल किया है वो कुरान व हदीस की रोशनी में ही किया है। इसलिए यही जमात हक है। आज हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं राह चलते हुए जो तजब्ज़ुब के शिकार हैं, जो गैरों के बयानात को कुरान व हदीस से मुज़य्यन जब देखते हैं तो उसकी तरफ वो चले जाते हैं और अहले सुन्नत व जमात को सिर्फ ये कह करके कि ये तो किस्से कहानी वाली जमात है, ये तो हंसी मजाक वाली जमात है, इसमें कुछ नहीं है, सारा सब कुछ तो उधर है। और जो शोरा हजरात हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि अपने अंदर चेंजिंग लाइए, इनकलाब लाइए, सालहियत पैदा कीजिए, ये उछलना कूदना बंद कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं तो उसी तरह नात पढ़िए, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। स्टेजों को स्टेज रखिए, उसे बंदरगाह या तफरीगाह मत बनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।